से स्टार्ट करना है। यहाँ से ये कॉलम है तो ये आ रहा है आपका 11 इंच आ रहा है। यहाँ से फिर ये डोर का देखेंगे हम, ये डोर आपका 38.5 इंच आ रहा है। फिर इसका हाइट लेना है, डोर का टोटल हाइट आप पकड़ोगे कोई भी कॉर्नर से पकड़ना है। ये टोटल हाइट आ रहा है इसका 92 इंच आ रहा है। फिर यहाँ से हमें ये वन ये कॉर्नर पकड़ना और विंडो तक लेना है। विंडो की फ्रेम से पहले तक 30 इंच आ रहा है। फिर विंडो की हाइट मेजर कर लेना। जैसे ये यहाँ से काउंटर है तो यहाँ से काउंटर 30 इंच है प्लस ये कर देना है, यहाँ पे 6 इंच ऐड कर देना है। फिर हम हमें ये हाइट लेनी है, ये आ रही है 52 इंच। और फिर ये ऊपर का मेजर कर लेना है 29 इंच। तो ये आपकी रूम की टोटल हाइट हो गई यहाँ पे। और फिर हम ये फ्रेम के आगे से ये कॉर्नर लेते हैं 23 इंच होता है। यहाँ से फिर ऐसे ये विंडो तक जाते हैं हम, तो ये 78 इंच हो रहा है। फिर विंडो की विड्थ पकड़ेंगे हम लोग, फ्रेम से फ्रेम तक पकड़ना है, तो ये 28.5 इंच हो रहा है। फिर यहाँ से फिर काउंटर आ रहा है, तो काउंटर ये 30 इंच है, उसमें ये ऐड कर देना है 5.5 इंच ऐड कर देना है। फिर ये हाइट पकड़ लेंगे, ये 47 इंच आ रही है। और फिर ऊपर का पकड़ना है, ये 35 इंच आ रहा है। फिर से कॉर्नर पे जाना है, ये कॉर्नर 22.5 इंच आ रहा है। फिर ऊपर जो बीम है वो खाली देखना है आपको कि बीम का हाइट कितना है, वो खाली मेंशन कर देना है। और उसके आगे लिखना है प्लस 12 इंच, जो भी बीम नीचे आएगा उसमें प्लस लिखेंगे हम लोग, प्लस 12 इंच। यहाँ से फिर मैं पूरा मेजर करता हूँ, आपको ऐसे ही मेजरमेंट देखना है।